ये आपको एक अहम खबर दे रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ टेरियन वाइट केस नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी है। मजीद तफसलात जानेंगे। बोल के नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा हमारे साथ मौजूद हैं। आलिजा बताएगा इस मामले की क्या तफसलात हैं। देखिए, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई की मुबैना बेटी टेरियन को कागजात नामजदगी में जाहिर ना करने पर नाअहल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में लार्जर बेंच ने ये केस की समाअत की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने दो जजिस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे दिया है और बानी चेयरमैन पीटीआई की जो नाअहली की दरख्वास्त है मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी है। बड़ा फैसला है जो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। केस पहले ही मुस्तरद हो चुका है, ये कहना था अदालत का, और केस पहले मुस्तरद हो चुका है और पहले भी दो जज ने इस केस को नाकाबिले समाअत करार दे दिया था, इसलिए ये दरख्वास्त है इसको मुस्तरद किया जाता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने इस केस का फैसला सुनाते हुए दरख्वास्त मुस्तरद करके खारिज कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए आलिजा। तो यह अहम खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेरियन वाइट केस में बानी पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, जिसके बाद बानी पीटीआई को यह बड़ा रिलीफ मिल गया है। टेरियन वाइट केस जिसमें नाअहली के खिलाफ बानी पीटीआई के खिलाफ ये दरख्वास्त खारिज हो चुकी है। इससे कबल भी कई मरतबा इस मामले को अदालत में उठाया गया और अभी तफसीली तौर पर यह फैसला जारी किया गया है और बानी पीटीआई को यह बड़ा रिलीफ मिला है, जिसमें टेरियन वाइट केस जिसमें नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने दरख्वास्त खारिज की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।